आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले, खबर यूपी के चंदौली से है। यूपी की योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है और ये पूरे प्रदेश में लगातार माफियाओं और उनके गुर्गों पर ऑपरेशन निस्तनाबूद के तहत कार्रवाई के आदेश पुलिस को मिली है। इसी क्रम में आज चंदौली में भी एक गैंगस्टर एक्ट में वांछित शराब माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। इसके तहत 3,85,00,000 रुपए की शराब माफिया की संपत्ति कुर्क कर लिया। दरअसल कोतवाली के जसुरी गांव का मूल निवासी और वर्तमान में वार्ड नंबर 15 जयप्रकाश नगर के रहने वाले शराब माफिया राजू सिंह के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था, जिनके खिलाफ आज जिला अधिकारी के आदेश पर 14 एक्ट के तहत माफिया की संपत्ति कुर्क की गई। SDM व CO सदर पुलिस फोर्स के साथ डुगडुगी बजवाते हुए राजू सिंह के घर पर पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान जसुरी गांव में और जयप्रकाश नगर में शराब माफिया की 3,84,99,000 की संपत्ति कुर्क की गई। इसमें कृषि योग्य भूमि, व्यावसायिक भूमि, फोन, बैंक के 4 खाते, 1 स्कॉर्पियो और 1 मोटरसाइकिल कुर्क किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में खूब चर्चा का विषय बना रहा। जनपद के शराब माफिया गैंगस्टर राजू सिंह पुत्र सियाराम सिंह निवासी जसुरी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम था। उसी में 14(1) के तहत जिलाधिकारी चंदौली महोदय द्वारा इनकी एक कृषि योग्य भूमि, व्यावसायिक भूमि और एक व्यावसायिक भवन, HDFC बैंक में इनके 4 खाते, 1 बुलेट मोटरसाइकिल को कुर्क किया गया। सर, ये कुर्क की गई कुल कितने की संपत्ति है? ये 3,84,99,355 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। चंदौली से ब्यूरो रिपोर्ट।